केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के बीकॉम के 5 छात्र फेल हो गए हैं। ऐसे में अब फेल हुए छात्रों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज निदेशक के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने कॉलेज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट का बैक पेपर दे दिया गया, जबकि उनका रेगुलर अटेम्प्ट था। ऐसे में रेगुलर के बजाय बैक अटेम्प्ट से करने में 5 छात्र मुख्य परीक्षा में फेल हो गए हैं, जबकि छात्र इस गड़बड़ी को लेकर कई दफ़ा कॉलेज परिसर निदेशक के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में अब छात्रों ने लापरवाह स्टाफ और कॉलेज परिसर निदेशक का घेराव किया और जमकर बवाल मचाया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने मामले को लेकर वाइस चांसलर से बात करने की बात कही है। पौड़ी से मुकेश बच्चित की रिपोर्ट। समस्या ये है कि हम पिछले 28 तारीख को मैंने यहाँ पे डायरेक्टर को मेल कर दिया था, उसको वहाँ पे लेटर भी दे दिया था कि हमारा परीक्षा परिणाम सही किया जाए। हमको 5 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था अकाउंटेंसी का, उसमें कहीं भी पेपर के ऊपर, दोनों पेपर सेम हैं, उसमें कहीं पे भी बैक और मेन नहीं लिखा गया है, और जिसके चक्कर में जो परीक्षा नियंत्रक है, जो टीचर है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, छात्र संघ जो है, NHUA जो छात्र संगठन है, वो सदैव से ही छात्रों के हितों के लिए लड़ता आ रहा है। यहाँ पर एक विषय हमारे सामने ऐसा आया है कि हमारे BCOM के कुछ 3-4 छात्र हैं जिनका पेपर था और इनको मेन की जगह बैक पेपर दे दिया गया है, जबकि दोनों पेपरों का नाम सेम था। यदि छात्र से गलती हो गई है तो क्या एग्ज़ाम में जो लोग बैठे हैं, जिनका कार्य है पेपर चेक करना, कॉपी चेक करना, क्या उनसे भी गलती हो गई है जानबूझकर? मुझे ये जानकारी 8-10 हफ्ते पहले छात्रों द्वारा दी गई कि हमारा रिजल्ट ऐसे से हो गया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जो पेपर है इन्विजिलेटर द्वारा, वो गलत पेपर दिया गया है और दूसरा पेपर दूसरे को दिया गया। इस टाइम का कुछ एक्सचेंज हुआ पेपर, क्योंकि एक बैक पेपर था, एक रेगुलर पेपर था, तो सब्जेक्ट एक ही है और एक ही पेपर का वो एग्ज़ाम हो रहा था, तो थोड़ी कंफ्यूज हो गया।